कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोडरेज के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को उनके अच्छे व्यवहार के चलते 2 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया है। सिद्धू ने पटियाला जेल से निकलते ही मीडिया से बात की। सिद्धू के रिहा होने से पहले ही पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पटियाला जेल के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर सिद्धू का स्वागत भी किया गया। जेल से बाहर निकलते ही कांग्रेस नेता सिद्धू ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफ सदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने। जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है, और किस तरह से कोई बर्फ की खेली नहीं है, जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में। पंजाब ढाल है इस देश की ढाल, उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है वहां वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है, षड्यंत्र। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सजा से 2 महीने पहले रिहा हुए हैं। उनके वकील HPS वर्मा ने बताया कि पंजाब प्रिजन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले ही रिहा किया जा सकता है। इस नियम के मुताबिक अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो हर महीने 5 से 7 दिन उसकी सजा कम होती जाती है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसी आधार पर समय से पहले रिहा किया गया था। सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोडरेज केस में 1 साल की सजा सुनाई थी। वो पिछले 10 महीने से जेल में बंद थे, उन्हें आज रिहा कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि वो मामला क्या है जिसमें उन्हें सजा हुई थी। दरअसल 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। इसके बाद सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। इसके बाद केस हाईकोर्ट पहुंचा और दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मई 2018 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को रोडरेज के मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। फिर इस सजा के ऐलान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने रोडरेज मामले में सिद्धू पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।